जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैंने सिखाने की श्रृंखला फिर से शुरू की है। आप में से इतने सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, आपने मुझे धन्यवाद दिया, मैं उल्टा आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने ये दोबारा आपकी ही फरमाइश पर शुरू किया है, ताकि किसी भी जातक की अगर कोई जानकारी में कमी रहती हो तो वो उसे पूरा करके अपनी कुंडली को स्वयं एनालाइज करने के काबिल बन जाए। कल मैंने जानकारी दी थी पहले घर की, दूसरे घर की, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव तक। पहला घर हमारा तन भाव होता है, आप सेल्फ होते हो। दूसरा घर धन, कुटुंब, वाणी और आपके गले का होता है, ये कल भी आपने पढ़ा था, छोटी सी रिविजन आपको करवा देता हूँ। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का या आपकी मेहनत और आपके पराक्रम का माना जाता है। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके जिंदगी में जितनी भी सुख सुविधाएं हों उसका माना जाता है। पंचम भाव आपके संतान का, आपके माइंड का, आपके विल पावर का और आपकी सारी लव रोमांस और अनसर्टेन गेन्स का माना जाता है, यानी जुआ सट्टा लॉटरी भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। और छठा भाव था रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन का। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं। सप्तम भाव से हमें हमारा दाम्पत्य सुख पता चलता है। सप्तम भाव को जया भाव भी कहा जाता है, ये आपके प्राइवेट ऑर्गन्स का भाव भी माना जाता है। सप्तम भाव से हम डेली वेजेस भी देखते हैं, क्योंकि वो दशम से दशम माना जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी और ज़्यादा आगे आपको मिलेगी। डेली वेजेस की जो आमदनी होती है, डेली इनकम जो होती है, वो भी आपकी सप्तम भाव से देखी जाती है। आपकी ज़िंदगी में सप्तम भाव की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आने वाली जनरेशंस का भी डिसीजन होती है। अगर आपका दाम्पत्य सुख अच्छा होगा तो नेचुरली बात है आप समाज में अच्छे रोजी रोजगार गेन करके अपनी अच्छी पहचान बना पाओगे। तो सप्तम भाव से हम न सिर्फ लाइफ पार्टनर बल्कि बिजनेस में होने वाली पार्टनरशिप्स को भी देखते हैं। तो सप्तम भाव से डेली वेजेस, पार्टनरशिप और आपका दाम्पत्य सुख का सारा विवरण पता चलता है। इसे जया भाव भी कहा जाता है। जया हिंदी में मैरिज को कहा जाता है, यानी जया भाव पत्नी भाव को कहा जाता है। तो ये दाम्पत्य सुख भाव होता है। मैरिज की अच्छी या बुरी स्थिति जितनी भी देखनी होती है तो हम लोग सातवें भाव से ही देखते हैं। आगे आया प्रिय दर्शकों आठवां भाव। आठवां भाव जो होता है वो मृत्यु स्थान कहा जाता है। आठवां भाव जो होता है वो ससुराल पक्ष, क्योंकि अगर ये आपका दाम्पत्य सुख का भाव है तो पति या पत्नी का परिवार, ये आप बने, ये आपका परिवार बना, तो पति या पत्नी का परिवार जो है वो आठवां घर बना, तो आठवां घर आपका ससुराल पक्ष भी माना जाता है। आठवां घर हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेजेस भी माना जाता है। आठवें घर से हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी आपकी जद्दी पुश्ती जमीन जायदाद आपको कितनी मिलने वाली है उसका भी विवरण यहाँ से पता चलता है, उसका विश्लेषण आठवें घर से किया जाता है। आपकी हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेजेस जो होती हैं, हाउस ऑफ नॉलेजेस की सीक्रेट गेनिंग भी आठवें घर से देखी जाती है। ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, एंग्जाइटी होना, ये सारी चीज़ें भी आठवें घर से देखी जाती हैं। आठवां घर इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं नवम घर की, जहाँ कुंडली में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर पिता का भाव माना जाता है। 9 नंबर से विदेश की यात्रा देखी जाती है। 9 नंबर से जातक का धर्म को मानना देखा जाता है कि जातक परमात्मा पर, प्रभु पर कितनी आस्था रखता है, कितनी आस्था से वो अपना जीवन व्यतीत करता है या प्रभु के आगे वो कितना नमन करता है, ये नवम भाव से देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है,
वो पिता का भाव दशम मान लेते हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है प्रिय दर्शकों। पिता का भाव नवम ही माना जाता है, क्योंकि पिता अगर आपकी संतान आपसे पंचम है, ये आप हो, ये पंचम आपकी संतान है, तो ये आपके पिता बने, पिता से पंचम आप स्वयं बने हो खुद। और आपका पिता कभी आपका शत्रु नहीं होता, वो इस सृष्टि में आपका पिता ही आपका सबसे बड़ा हितैषी और सबसे ज़्यादा आपका भला सोचने वाला होता है। तो नवम भाव को ही पिता का भाव माना जाता है। विदेश यात्रा का भी भाव यहीं से गिना जाता है। विदेश कोई यात्रा करके आता है तो विदेश यात्रा भी नवम भाव से ही देखी जाती है। नवम भाव ही इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव पिता की केयर कितनी होती है वो भी देखा जाता है। हायर टू हायर एजुकेशन, हायर टू हायर रिसर्च का भाव भी नवम भाव ही माना जाता है। इसे धर्म का भाव कहा जाता है, इसे आपकी जांघों का भाव भी कहा जाता है, जिसे पंजाबी में हम पट बोल देते हैं, जांघों का भाव कहा जाता है। ये थाइस यानी इंग्लिश में उसे थाइस बोला जाता है। नवम भाव आपकी थाइस का माना जाता है। दर्शकों बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव से आपका कर्म देखा जाता है। कर्म यानी आपका प्रोफेशन डिसाइड होता है कि आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे और कौन से प्रोफेशन में जा करके आप लाभ अर्जित कर पाएंगे या कामयाबी अर्जित कर पाएंगे, या कौन सा प्रोफेशन आपको ज़िंदगी भर स्टेबल रख करके आपकी कामयाबी का रास्ता खोलेगा। तो दशम भाव से हम कामकाज देखते हैं, ये आपका कर्म का भाव माना जाता है। दशम भाव से हम जातक के घुटने भी देखते हैं। किसी के घुटनों में अगर दर्द रहता हो तो हम अक्सर कहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं दशम भाव का स्वामी या दशम भाव पीड़ित माना जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको अवश्य दूंगा। पर जिसके भी घुटने दुखते हों अगर कुंडली में पढ़ेंगे तो देखेंगे उसका दशम भाव या दशम भाव का स्वामी कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में आपको अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि दशम भाव ही घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव आपके कामकाज को रिप्रेजेंट करता है। और एक बात और प्रिय दर्शकों, कभी भी दशम भाव को पिता का भाव समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पिता आपका शत्रु कभी नहीं हो सकता, पिता आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। तो दशम भाव से सिर्फ आपका कामकाज, आपका प्रोफेशन, आपका लाइफस्टाइल, आपके कर्म डिसाइड होते हैं, और इससे घुटने भी देखे जाते हैं। जातक के घुटनों का रिप्रेजेंटेटिव भी दशम भाव होता है। बात करते हैं ग्यारहवें भाव की प्रिय दर्शकों। ग्यारहवां भाव लाभ का भाव माना जाता है। ग्यारहवां भाव आपके बड़े भाई बहन, जैसे तीसरा भाव छोटे भाई बहन का माना था, तो ग्यारहवां भाव बड़े भाई बहन का माना जाता है। ग्यारहवां भाव छोटी मोटी बीमारियों का भी माना जाता है, क्योंकि वो छठे से आगे छठा है। ये छठा भाव लंबी बीमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये छोटी बीमारियों का भी माना जाता है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, कंधा दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो ग्यारहवें भाव से ही देखते हैं। ये लाभ भाव भी माना जाता है, हाउस ऑफ गेन्स भी कहा जाता है इसको। ये ग्यारहवां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है। ये ग्यारहवां भाव अगर कुंडली में बली हो तो जातक अपने जीवन यापन में जो भी चीज चाहता है वो कहीं ना कहीं उसे मिलती अवश्य है, और बड़े भाई बहन की सपोर्ट लेकर के भी वो चीज कहीं ना कहीं हासिल जरूर कर लेता है। ग्यारहवां भाव छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आपकी पिंडलियों का भाव भी माना जाता है। घुटने और पैर के बीच में जो आपकी पिंडलियां आती हैं, ये उनका भाव भी माना जाता है। अगर कहीं वहां दर्द रहता हो या कहीं वहां प्रॉब्लम आई हो लेग्स में, तो कहीं ना कहीं ग्यारहवां भाव पीड़ित होता है, और ग्यारहवें भाव का स्वामी कहीं गलत अवस्था में पड़ा होता है। तो ग्यारहवां भाव आपकी पिंडलियों का रिप्रेजेंटेटिव है। बात करते हैं प्रिय दर्शकों बारहवें भाव की। बारहवां भाव विदेश की सेटलमेंट माना जाता है, यानी परमानेंट सेटलमेंट बाहर जाके हो जानी। नौवां भाव विदेश यात्रा का होता है, ये दोबारा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। नौवां भाव विदेश यात्रा का, बारहवां भाव विदेश परमानेंट सेटलमेंट का माना जाता है। बारहवें भाव से हम लोग हॉस्पिटल का खर्चा भी देखते हैं। बारहवें भाव से
पति पत्नी का पर्सनल टाइम भी देखा जाता है, उनका शैया सुख भी देखा जाता है। 12वें भाव से जेल यात्रा तक भी देखी जाती है। तो 12वें भाव को भी बहुत ज़्यादा अच्छा भाव नहीं माना जाता। हर भाव के साथ अगर कुछ एडवांटेज जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी जुड़े होते हैं। 12वां भाव आपके सबसे जो आजकल मेजर प्रॉब्लम हर एक की तकरीबन होती है, व्यय का भाव भी माना जाता है, आपके खर्च का भाव, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है 12वें भाव को। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा तन भाव, धन भाव, भ्राता, भ्राता यानी छोटे भाई बहन, अनुज भी कहा जाता है, माता, संतान, रोग भाव, जया भाव, आयु भाव, धर्म और पिता भाव, कर्म भाव, लाभ भाव और खर्च भाव। तो आप अच्छी तरह इन्हें नोट कर लीजिए 12 भावों को, इन्हें कभी भी कोटा मत लगाइएगा। सुबह एक बार रीडिंग कर लीजिए, शाम को एक बार रीडिंग कर लीजिए, 2-3 टाइम इसे सिंपल रीड करते चले जाइए, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि बार बार इसको इस तरीके से समझाऊं ताकि आपको समझ में इजीली आ पाए और खुद अपनी कुंडली एनालाइज करने के आप काबिल बन पाए। प्रिय दर्शकों, ये 12 भाव एज इट इज ही रहते हैं, ये हर एक के लिए यूनिवर्सल है। आप किसी भी जातक की कुंडली उठाइए, हो सकता है यहाँ 1 नंबर की जगह 5 लिखा हो, 2 लिखा हो, 6 लिखा हो, 12 लिखा हो, कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो सकता है, लेकिन वो भाव पहला ही गिना जाएगा और वो आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी ही होगा। उसी तरह से 12 भाव रिमेन्स द सेम रहेंगे हर जातक की कुंडली में, और वो आपको एज इट इज ही याद करने होंगे, एज इट इज ही दिमाग में बिठाने होंगे। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे घरों में बरकत की अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे लोग अक्सर आके टिप मांगते हैं कि जी हमें आप बरकत दिक्कत परेशानी में देती है, बरकत हमारे घर में बनती नहीं है, कमाते बहुत हैं लेकिन आने से पहले ही खर्च कहीं ना कहीं खड़ा रहता है, तो हमारे घर में बरकत का माहौल नहीं बन पाता बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी। तो हर उस जातक के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने घर में चाहे आपकी जगह छोटी हो या बड़ी हो, या छोटा पौधा लगा पाएँ, बड़ा पौधा लगा पाएँ, जो भी आपकी जगह की समर्था के मुताबिक आप लगा पाएँ, लेकिन घर में मनी प्लांट अवश्य लगाएं, वो घर में बरकत लाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। घर में जितनी भी कमाई आती है उसमें कहीं ना कहीं बरकत डाल करके आपका जीवन यापन अच्छा ज़रूर कर देता। तो प्रिय दर्शकों, आज इन 12 भावों की आपको विस्तृत जानकारी दी, उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी, क्योंकि ये 12 भाव जानने आपके लिए अति आवश्यक हैं ताकि कल को आप ये इजीली पढ़ पाएं कि ये 12 भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन सा ग्रह कहाँ जाकर अच्छा या कौन सा ग्रह कहाँ जाकर बुरा रिजल्ट दे सकता है। प्रिय दर्शकों, ये कुंडली सिर्फ विवेचन इसलिए करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ये पूरी विद्या इस बात पर टिकी हुई है कि कौन से घर का मालिक कहाँ चला गया और वो कैसे नतीजे आपको देने वाला है। अगर आपकी ये बात समझ में आ जाए तो पूरी विद्या की नींव आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और आप अपनी कुंडली अच्छी तरह एनालाइज ज़रूर कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.